प्रिये साथियों। आप अवश्य ही कुछ ऐसे ठोसों से परिचित होंगे जो घनाबाकार गोलाकार और बेलनाकार होते हैं आपने इन आकारों के कुछ बर्तन भी अवश्य देखे होंगे एक और आकार है जो बहुत देखने को मिलता है याद कीजिए पानी पीने में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास अथवा टम्बलर अथवा एक कप अथवा एक बाल्टी के आकारों को क्या आप जानते हैं कि इन आकारों को क्या कहते हैं यह आकार शंकु के एक छिनक से मिलते जुलते हैं आज हम शंकु के एक छिनक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे क्रियाकलाप करने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी जैसे कि कार्डबोर्ड रंगीन कागज गोंद कैंची रूलर जामती बॉक्स और एक माक आइए समझें कि शंकु का एक छिनक किस प्रकार बनता है यहाँ देखिए हमारे पास एक शंकु है यदि हम इस शंकु को इसके आधार के समांतर एक समतल पृष्ठ से काटें तथा ऊपर शेष वाले भाग को हटा दें तो हमें जो शेष भाग बचता है उसे शंकु के छिनक के रूप में जाना जाता है यहाँ देखिए यह पृष्ठ वक्रीय पृष्ठ कहलाता है तथा हमें इस ठोस के दो वृत्तीय फलक प्राप्त हुए हैं बड़े वृत्तीय फलक की त्रिज्या आर वन बराबर चार सेंटीमीटर है तथा दूसरे वृत्तीय फलक की त्रिज्या R2 बराबर दो सेंटीमीटर है और शंकु के इस छिनक की ऊंचाई छह सेंटीमीटर है अब आइए सीखें कैसे परिकलित करें आयतन शंकु के इस छिनक का इसका क्या सूत्र है यह है V बराबर एक बटा तीन पाई एच कोष्टक में आर वन का वर्ग जमा आर टू का वर्ग जमा आर वन गुणा आर टू है इस सूत्र में पाए आर वन आर टू और एच के मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम प्राप्त करते हैं v बराबर एक बटा तीन गुणा बाईस बटा सात गुणा छः कोष्टक में चार का वर्ग जमा दो का वर्ग जमा चार गुणा दो जो बराबर है चवालीस बटा सात गुणा सोलह जमा चार जमा आठ घन सेंटीमीटर सरल करने पर चौवालीस बटा सात गुणा अट्ठाइस घन सेंटीमीटर प्राप्त करते हैं जो है एक सौ छिहत्तर घन सेंटीमीटर अब शंकु के छिनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने के लिए हमें वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल फल परिकलित करने की आवश्यकता है इसके लिए हमें त्रियक ऊंचाई चाहिए सर्वप्रथम आइए देखें कि इस छिनक की त्रियक ऊंचाई क्या है हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे ऊंचाई l बराबर वर्गमूल h का वर्ग जमा r1 घटा r2 का वर्ग। मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम त्रियक ऊंचाई वर्गमूल 6 का वर्ग जमा 4 घटा 2 का वर्ग प्राप्त करते हैं जो वर्गमूल 40 के बराबर है सरल करने पर l बराबर छः दशमलव तीन सेंटीमीटर प्राप्त होता है अब शंकु के इस छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल परिकलित करने के लिए हमें तीन क्षेत्रफलों पर विचार करने की आवश्यकता है ये हैं वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दोनों वृत्तीय आधारों के क्षेत्रफल हम दिए हुए सूत्रों में मानों को प्रतिस्थापित करते हैं जो हैं पाई एल में आर वन जमा आर टू जमा पाईआर वन का वर्ग जमा पाईआर टू का वर्ग मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है बाईस बटा सात कोष्टक में छः दशमलव तीन गुणा चार जमा दो जमा चार का वर्ग जमा दो का वर्ग वर्ग सेंटीमीटर जिससे बाईस बटा सात गुणा सत्तावन दशमलव आठ वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वर्ग सेंटीमीटर है यह बाल्टी शंकु के एक छिन्न से मिलती जुलती है यहां हम देख सकते हैं कि यह ठीक ठीक इसमें समा जाता है तथा हम कह सकते हैं कि यह बाल्टी शंकु के एक छिनक से मिलती जुलती